हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं वन प्लस सिक्स। दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम है क्रैश ड्रम मोड का, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं हम फ़ोन को। तो अगर आपके कोई फ़ोन में रिपेयर कराना है कोई प्रॉब्लम, तो आप ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमारा फ़ोन खुल रहा है। तो अगर आप अभी तक के हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर ये क्रैश ड्रम मोड का जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे प्रोसेसर से आता है, प्रोसेसर ड्राई होने की वजह से। तो सबसे पहले हम ये पूरी शील्ड वगैरह सब निकाल लेंगे, एकदम फ्रेश फ़ोन है हमारा। और ये सीपीयू उठाने के लिए यहाँ से टूल डालने के लिए हमने जगह बना दी है। इसके बाद हम यहाँ पर टेप वेप लगा देंगे प्रोटेक्शन के लिए। और अब हम रोम आईसी उतारेंगे। तो देख लीजिए हमारी रोम आईसी जो है वो उतर चुकी है। अब इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे कि चारों तरफ से हम पूरे कोने काट लेंगे अच्छी तरीके से ग्लू के, उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए बस हमारा जो प्रोसेसर है वो गर्म हो चुका है। अब हम प्रोसेसर निकालने वाले, ये प्रोसेसर निकल चुका है हमारा। अब इसके बाद हम इसे पूरे अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर देंगे, जितना भी ग्लू है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे। और ये जो ग्लू रहता है वो बहुत ज़्यादा बेकार ग्लू रहता है, इसे साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप जैसा देख पा रहे होंगे इतना बेकार ग्लू रहता है ये कि जिसकी कोई हद नहीं, हर जगह इतना बेकार ग्लू रहता है सीपीयू में, एमएमसी में और ये प्रोसेसर में, रोम में। साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो और ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, ये कंपोनेंट ख़राब नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके फ़ोन में कैमरा ऑन नहीं होगा, फ़ोन हैंग होगा। ये दो चारों कैपेसिटर रहना ज़रूरी है। तो अब हम इसका सीपीयू जो है फटाफट रिवॉल्व कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो देख लीजिए ये सीपीयू अभी हमारा रिवॉल्व होने वाला है, ये सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। तो अभी हम इसे दो से तीन बार इसलिए करेंगे कि हमारे बॉल जो है इक्वल एक जैसे बने। तो ये देख लीजिए हमारे बॉल बन चुके हैं, पेस्ट लगा के हमने हिट मारा है। और आईसी का जो नॉइस है हमारा जहाँ है वहीं रखना है हमें और इसे हिट मार देना है। तो जब हम इसे हिट मारेंगे तो इसमें से हल्का हल्का पेस्ट बाहर आना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो बैठ चुका है। तो देख लीजिए नीचे से पेस्ट बाहर आ चुका है, इसका मतलब ये हमारा प्रोसेसर बैठ चुका है। तो अभी हम इसे फटाफट इसको ठंडा होने देते हैं और हमारी रोम आईसी साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके इसे अच्छी तरीके से रिवॉल्व कर लेंगे। इसको भी दो से तीन बार हम रिवॉल्व करेंगे, एक जैसे बॉल बनाएंगे और इसे पेस्ट लगा के हिट मार के इसको सीपीयू के ऊपर रख देंगे अभी हम। तो देख लीजिए इसका सीपीयू का नॉइज़ जहाँ था, रोम आईसी का नॉइज़ भी वहीं चाहिए। तो ये देख लीजिए अभी हमने रोम आईसी लगा चुका है और इसे हिट मारना चालू कर दिया है। तो इसमें भी सेम वैसी मेथड होगा, इसमें से भी पेस्ट बाहर आएगा। तो देख लीजिए और इसे जब पेस्ट बाहर आएगा तो हम हल्का सा इसे शेक कर देंगे, एक दो बॉल जो प्रॉपर बैठे नहीं होंगे वो प्रॉपर बैठ जाएंगे। देख लीजिए हल्का सा शेक किया अभी हमने, तो इसका मतलब ये है हमारा जो रोम आईसी वो बैठ चुका है। अभी हम बोर्ड ठंडा कर लेते फटाफट और इसे फिट करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक कैमरा लगा लेंगे इसका और इसे ऑन करके चेक करेंगे हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ है। तो देख लीजिए फाइनली गाइस हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।